कुछ महीने हो चुके हैं, तो फिलहाल दोबारा से स्टार्ट करते हैं 2.2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे या फिर वन शॉट करेंगे जैसे भी होगा, आप करवाते हैं स्टार्ट पहले, देते कब तो लाइव जाएगा कुछ नहीं पता। तो पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, एक्स की पावर 2 माइनस में 2x माइनस में 8, आप सबको करना है, ठीक है, ठीक है, 2x माइनस में 8, ओके। ये पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्स्ट इसका पहला पार्ट। जैसा कि आपने द्विघात समीकरण पढ़ ही रखा होगा, पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, उसकी इंट्रोडक्शनल वीडियो मैंने आपको करवा रखा था, ठीक है, तो उसे आपको देख लेना है। कमेंट करो, कमेंट जल्दी से, जो भी आपको चीज़ चाहिए कमेंट करते करो, ठीक है, जो भी चीज़ आपको नया चीज़ चाहिए, आयते बोर्ड पर हो गया, एक्सप्रेस में आयते श्रीवास्तव पर हो गया, जो भी चीज़ चाहिए होता है ना, कमेंट करते करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई डाउट लग रहा हो, कुछ कमी हो रही हो, ठीक है, सब कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइव में आप लोग अपने कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट्स में तुरंत दिखते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर में शायद कुछ दिन बाद दिखे, मतलब कुछ देर बाद दिखे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 2 माइनस में 2x माइनस में 8। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका यह है कि कुछ बैकग्राउंड में साउंड आ सकता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है, कुछ बैकग्राउंड में लोग होंगे जो अपना पर्सनल काम कर रहे होंगे ना, ठीक है, उनका शोर आ सकता है। राधे राधे, राजेश पांडे, ओके, तो बैकग्राउंड वाले शोर से परेशान नहीं होना, ठीक है, कुछ कुत्ते भोंक रहे होंगे उससे परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है, सुबह से भोंक रहे हैं वैसे भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की पावर 2 माइनस में 2x माइनस में 8, तो आपको उसको करना क्या है, सिंपल तरीका क्या है, जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है 8, उसको आपको लेना है एलसीएम। बोलो तो एलसीएम पता नहीं क्या होता है, पता ही होगा, ठीक है, तो एलसीएम करते हैं इसका, जल्दी कर रहे हैं, आपको पता ही, क्योंकि मतलब एलसीएम मतलब इसको फैक्टर करना है, और फैक्टर करके इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है जिससे उसका प्लस और माइनस करने पर आपका माइनस का 2x आए और गुणा करने पर आपका 8 आ जाए, मतलब कि 8x2। पूरा कोई नहीं बताता, पूरा को बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको पहले से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 8 को आपको x2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितना यहाँ पर आपका आ जाएगा 8x2। जब पढ़ा रहा हूँ तो आपका कमेंट नहीं देख पाऊंगा, उसके लिए सॉरी, पढ़ाने के बाद कमेंट देखूंगा, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर, ठीक है, 8x2, ठीक है, पूरा कोई नहीं बताता, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करता है इसे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना x2, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है 8 से, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आपको बन जाएगा 8x2, क्या बन जाएगा 8x2, फिर आपको लेना होता है 8 कैल्शियम। अब x2 का कोफिशियंट क्या है, कोफिशियंट बोल दो जो गुणांक में है, क्या है 8 है, तो 8 को आपको फैक्टर करना होता है, फैक्टर बोल दो एलसीएम करना होता है, ठीक है, तो आपने इसको तोड़ लिया पहले, ठीक है भैया, अब आपको लाना है क्या, माइनस का 2x, यानी कि प्लस माइनस करने पर आपको माइनस का 2x आना चाहिए, साइन विद साइन के साथ याद रखना है आपको, ठीक है, आपका प्लस माइनस करने के बाद आपका माइनस का 2x आना चाहिए, और गुणा करने के बाद आपका ये आना चाहिए 8x2, ये मेन चीज़ है, ओके, कोई नहीं बताता है, देखो यहाँ पर आप फैक्टर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आप इसको 8 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, 4 और 2 में, ठीक है, पहले लिख सकते हैं, 4 में 2 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4 दोनों कितना होता है 8 होता है, तो कुछ तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। अब आपको साइन का ध्यान रखना होगा, साइन मतलब कि आपका माइनस में आना चाहिए, माइनस कब आएगा आपका, जब बड़े पर माइनस होगा, क्योंकि जब प्लस माइनस करते हैं, जैसे मान लिया मैंने ऐसे लिखा 4 माइनस का 2, इस टाइम पे आपका कितना कैसा आएगा, प्लस का 2 आएगा, कैसा आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि बड़े पे कैसा है पॉजिटिव है, और जो बड़े पे जो साइन होता है वही साइन आता है, ओके, तो आपको बड़े पे माइनस का साइन लेना होगा, तभी आपका नेगेटिव में आंसर आएगा, ओके, तो बड़े पे क्या लोगे, यहाँ पर तो साइन भी था, यहाँ पर माइनस, तो माइनस को आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस का 8x2 आना चाहिए, साइन भी आपको याद रखना है, ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, 2 माइनस में 4, अब कैसा बन रहा है आपका, 2 में से माइनस का 4 गया, कितना बचेगा आपका माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस पर निशान तो माइनस का जाएगा, प्लस माइनस माइनस पर निशान तो जो बड़े पता हुई आता है, तो 4 में 2 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 पे कैसा निशान आ गया, माइनस का आ गया, ओके, इस तरीके से, यानी कि आपको फैक्टर करना है 4 और 2 का, तो कैसे लिखेंगे, करते हैं स्टार्ट, यहाँ पर अब मैंने समझाया मैंने, ठीक है, ये आपको मैंने समझा रखा है फिलहाल में, उतारोगे तो उतार लो, ठीक है, उतारना है क्या, उतारना है क्या, उतार लो, ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, बहुत ही मेन चीज़ था, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे, कैसे फैक्टर करना है, कैसे का कुछ करना है आपको मैंने समझा दिया है, फिलहाल ड्राफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो फैक्टर कैसे करना आपको समझ में आ चुका है, 8 का फैक्टर करोगे 4 और 2 में, किसमें 4 और 2 में, और आपको कुछ इस तरीके से लिखना है जिससे आपका माइनस का 2x आ जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 2x आ जाए, और गुणा करने पर आपको माइनस का 8x2 आ जाए, ओके, तो करते हैं जल्दी से, x2 एडजिटिव जाएगा, ठीक है, अब माइनस का 4x लिख देंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 2x, माइनस का 8 लिख दिया, ओके, अब तो गुणा करो कितना आ रहा है यहाँ पर आपका, माइनस का 4x, गुणा दिखाई दे रहा है साफ, गुणा करने पे कितना आपका आ रहा है, माइनस का 8x2 आ चुका है, और प्लस माइनस करने पे कितना आ रहा है आपका, माइनस का 2x आ रहा है, मतलब कि सही तोड़ा है हमने इसको, मतलब सही तरीके से हमने तोड़ रखा है इसको, ओके, इस तरीके से आपको कुछ करना होता है। अब आपको क्या करना है, दो दो जोड़ा बनाना है, मतलब इस तरीके से हमने कर दिया, अब इसमें से आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या चीज़ को मना रहा है आपका, एक्स को मना रहा है भैया, तो एक्स को बाहर निकाल देंगे, तो एक्स माइनस 4 यहाँ पर आपका बच जाएगा सिंपल सा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, प्लस भी कॉमन आ रहा है साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच गया, एक्स बच गया यहाँ पर, यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 4 बच गया। एक बात हमेशा याद रखें, जो यहाँ पर आएगा वो चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए, ओके,